दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर वाले 5 रुपए के नोट में कौन से 5 रुपए कीमती होते हैं। आज मैं आपको कुछ ट्रैक्टर वाले ऐसे 5 रुपए के नोट दिखाने वाला हूं जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए तक है। जी हाँ, 1 लाख रुपए तक। आपके घर में भी ट्रैक्टर वाले नोट पड़े होंगे, आपको भी उसको बेचने की इच्छा होती होगी। अगर आपको ये सब लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। ट्रैक्टर वाले के नोटों की पूरी सच्चाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ विथ प्रूफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एस उत्सव। आप देख रहे हैं इंडियन कॉइनेज। मैं बात करता हूं भारतीय नोट, सिक्के और उसके साथ जुड़े रोचक इतिहास के बारे में। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन बढ़े। चौबीस मार्च 1975 को गवर्नर एस जगन्नाथन की सिग्नेचर में सबसे पहले ट्रैक्टर वाली नोट इस टाइप की इश्यू हुई थी। दोस्तों ट्रैक्टर वाली नोट की दो टाइप है। सबसे पहले है 1975 से लेकर 2001 तक जो इश्यू हुई वो, और उसके बाद 2001 से लेकर 2011 तक। दोनों नोट में बस एकमात्र तफावत है कि 1975 से 2001 की जो नोट है उसमें नोट के अग्रभाग में ऑपर साइड में अशोका पिलर है, और 2001 से लेकर 2011 तक की जितनी भी नोट है उसको गांधी सीरीज वाले नोट बोला जाता है। उसमें भी पीछे ट्रैक्टर ही होता है लेकिन नोट के अगले भाग में गांधी जी का पोर्ट्रेट होता है। दोस्तों YouTube और दूसरे सोशल मीडिया में ट्रैक्टर वाले 5 रुपए के नोटों के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा गया। लोगों को लगता है ये बहुत कीमती नोट है और कुछ लोगों को लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर वाले नोट भी 50-60 हज़ार से लेकर 1 लाख तक बिकते हैं। लेकिन वो कौन से नोट होते हैं, 3 भागों में इस पूरे वीडियो को मैंने डिवाइड किया है। तो चैप्टर 1, ट्रैक्टर वाले नोटों में ओवरऑल कीमती नोटें। दोस्तों ट्रैक्टर वाले नोटों में सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1975 से लेकर 2001 के बीच में जितने भी अशोका पिलर के साथ जो ट्रैक्टर वाले नोट इश्यू हुए उसमें सबसे कीमती नोट है 1985 में गवर्नर अमिताभ घोष की सिग्नेचर में जारी की हुई ये नोट, जिसकी प्रीफिक्स है टी और इसका इनसेट है डी। दोस्तों अगर आपके पास ये नोट है तो उसकी आज की मार्केट वैल्यू है 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, और अगर इसका आपके पास पूरा बंडल है तो इस बंडल के आपको 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक मिल सकता है। और इसी सीरीज में 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो गांधी पोर्ट्रे के साथ ट्रैक्टर वाले नोट इश्यू हुए थे उसमें 2003 में YV रेड्डी की सिग्नेचर के साथ R इनसेट और A प्रीफिक्स के साथ जो ट्रैक्टर वाले नोट इश्यू हुए हैं वो बहुत रेयर कैटेगरी के। इसकी एक नोट की वैल्यू है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, और इसका अगर आपके पास पूरा बंडल है तो इसके आपको मिल सकते हैं 12,000 से लेकर 15,000। चैप्टर 2, फैंसी और सुपर फैंसी नोट्स। दोस्तों मुझे आपको और सभी को नोट के जो सीरियल नंबर होते हैं अगर वो फैंसी होते हैं तो बहुत आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से 5 रुपये के कुछ सुपर फैंसी नंबर के नोट जो ऑक्शन में बिके हैं उसका आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिया रेफरेंस के तौर पर, वहाँ आप देखेंगे तो नोट कुछ हज़ारों में बिके हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैक्टर वाले नोट में अगर सुपर फैंसी नोट्स के नंबर होते हैं तो आपको कितने रुपए तक मिल सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर ट्रैक्टर वाले नोट 1975 से लेकर 2001 के बीच में इश्यू हुए हैं अशोका पिलर के साथ, उसमें अगर आपके पास सीरियल नंबर में All 1 से लेकर All 8 तक होते हैं तो आपको एक नोट के मिल सकते हैं 4,500 से लेकर 5,000 रुपये तक। उसी में अगर नोट का सीरियल नंबर 1 लाख से लेकर 8 लाख तक होता है या 9 लाख तक होता है तो उसके एक सीरियल नंबर के आपको मिल सकते हैं 3,500 से लेकर 4,000 रुपये तक। उसी प्रकार से अगर नोट के सीरियल नंबर 00001 यानी कि All 01 से लेकर All 010 तक होते हैं तो इस 10 नोट की क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है 30,000। उसी प्रकार से नोट में अगर 786000 होता है तो एक नोट की वैल्यू 15,000 तक जा सकती है। 000786 होती है तो उसकी वैल्यू भी 15,000 तक जा सकती है। लेकिन उसमें अगर आपके पास नोट का सीरियल नंबर 786786 होता है तो एक नोट के आपको मिल सकते हैं 35,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक। उसी प्रकार से अगर नोट का सीरियल नंबर 9,99,999 और 10 लाख यानी कि इसको 9-10 की जोड़ी बोला जाता है इस प्रकार से होती है तो आपको एक जोड़ी का मिल सकता है 30,000 रुपये से लेकर 32-35,000 रुपये तक। वही बात करें गांधी सीरीज के 5 रुपए के नोट के बारे में जो 2001 से लेकर 2011 के बीच में इश्यू हुए थे, उसमें अगर आपके पास सीरियल नंबर में All 1 से लेकर All 8 तक के सीरियल नंबर होते हैं तो आपको एक नोट के मिल सकते हैं 2500 से लेकर 3000 रुपए तक। उसी में अगर आपके पास सीरियल में 1 लाख से लेकर 9 लाख तक के सीरियल नंबर होते हैं तो आप उसको एक नोट का आपको मिल सकता है 2000 से लेकर 2200 रुपये।
उसी में अगर आपके पास सीरियल नंबर में ओल्ड 01 से लेके ओल्ड 010 तक के सीरियल नंबर होते तो उस 10 नोट का क्यूमुलेटिव प्राइस आपको मिल सकता है 20,000 रुपये तक। उसमें अगर आपके पास 786000, 000786 ये दोनों सीरियल नंबर होते तो एक नोट के आपको मिल सकते 12,000 रुपये तक। और अगर आपके पास इसी सीरीज में 786786 सीरियल नंबर होता है तो आपको एक नोट का मिल सकता है 20,000 रुपये। और अगर आपके पास इसी सीरीज में 910 की जोड़ी होती है, यानी कि सीरियल नंबर में ओल्ड 9 और 10 लाख होता है, इसको जोड़ी बोलते हैं 910 की, अगर ये होती है तो इस एक जोड़ी का आपको मिल सकता है 25,000 से रुपये 30,000 रुपये तक। दोस्तों, शाहरुख खान की डुप्लीकेट मूवी देखी आपने या फिर सलमान खान की जुड़वा देखी है, उसी से रिलेटेड मैं आपको एक नोट दिखाना चाहता हूँ। इस नोट की वैल्यू है 1,00,000 रुपये। तो ट्रैक्टर वाले नोट की अगर आप बोल रहे हो कि लाखों में वैल्यू नहीं होती है, तो इस नोट की वैल्यू है 1,00,000 रुपये। ध्यान से क्लियरली देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको जो नोट दिख रहा है ना, उन दोनों की क्यूमुलेटिव वैल्यू है 1,00,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें से मैंने एक नोट को भी हटा दिया ना, तो दूसरे नोट की वैल्यू सिर्फ 5 रुपये रह जाएंगी। अब ऐसा क्यों? अब जो स्क्रीन पे नोट दिख रहा है वो ना तो इनसेट में स्पेशल है, ना प्रीफिक्स में स्पेशल है, ना उसके सीरियल नंबर स्पेशल है, ना कोई गवर्नर स्पेशल है, ना इसका ईयर स्पेशल है। फिर भी ये नोट 1,00,000 रुपये की है, क्योंकि ये नोट एक ही बंडल में से ऐसी दो नोट निकली है जिसका सीरियल नंबर, प्रीफिक्स, इनसेट, ईयर, गवर्नर सभी सेम है। इसलिए इस नोट को एरर नोट की कैटेगरी में डालते हुए PMCS ने जो ग्रेडिंग किया है उसमें क्लियरली डुप्लीकेट वर्ड लिख के दिया है। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल नोट्स या डुप्लीकेट सीरियल नंबर नोट्स। और ये बाजार में बहुत कीमती होते हैं। न्यूमिस्मेटिक कलेक्टर होते हैं, वो इस नोट को खरीदने के लिए 1,00,000 रुपए तक दे सकते हैं। तो बस दोस्तों, ट्रैक्टर वाले नोटों का इतना ही सफर था। चैप्टर 1 में दिखा दिया कि कौन से नोट ओवरऑल कीमती होते हैं, चैप्टर 2 में दिखा दिया कि कौन से नोट हज़ारों में होते, और चैप्टर 3 में मैंने आपको दिखाया कि कौन से दो नोट ही है फिर भी 1,00,000 रुपये है। तो इस प्रकार के अगर आपके पास भी नोट है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि हाँ भाई, मेरे पास भी इस प्रकार के ट्रैक्टर वाले नोट है। और दोस्तों, आप भी पुराने नोट और सिक्के खरीदना चाहते हैं तो एक बार सिक्काजी.com पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिक्काजी.com पे इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेशनल कॉइन डीलर होते हैं, वो अपने कॉइन्स और नोट बिक्री के हेतु ऑफर करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में #सिक्काजी लिख के मुझे पूछिए। मैं हर शनिवार को प्रयत्न करूंगा कि आपके मंडे टू सैटरडे जितने भी क्वेश्चन है अक्यूमुलेट करके उसका सारा एक जवाब दे दूं एक ही वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।